रे यार, ये कहाँ रह गए जीजा जी, तिकड़ दिया। ओफो, ए, ए, क्या बात है, क्या बात है, ओहो, हा। हेलो जीजा जी, किधर हो यार? पता है, यहाँ तो बाहर गली में बवाल मच गया है। पता नहीं किस पे सीटियां मार रहे हैं वो लोग। चलते आओ ये। हेलो हेलो, ए जीजा जी, हेलो। हेलो हेलो, हेलो हल, क्या है मतलब? एलआईसी जी, आप ही ने तो गिफ्ट दिया था यार, अब आप ये मत बोलिए कि आपको पसंद नहीं आ रहा है। मेरा दिया तोहफा ये नाइटी? दिमाग खराब है आपका? मैं आपको नाइटी गिफ्ट क्यों करूंगी? ये क्या बोल रही हैं आप, ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे एलआईसी जी, आपने जो हमें वो गिफ्ट का डब्बा दिया था, उसको जब हमने खोला तो उसमें से ये नाइटी निकली यार। टंटे वो रखे हैं यार। मैं ना वो सफेद बनियान में आपको देख देख के पागल हो गई थी। मैं एकदम रामू काका वाली शक्ल लगती थी आपकी। लेकिन लेकिन उसके बाद मैंने सोचा चोकर वाली बनियान दूंगी ना तो एकदम मस्त लगेंगे, हॉट। लेकिन देखो मैं के वो सब हमें नहीं पता है लाइजी जी। देखिए, अगर हम जल्दी यहां से नहीं निकले ना तो कोई ना कोई हमें यहां से उठा के ले जाएगा, बता रहे हम। ठीक है जी, गलत फहमी सही, लेकिन आप मेरे लिए नाइटी पहन के यहाँ तक आ गए। I love you. एलआईसी जी, शादी करके ना खतरों के खिलाड़ी बन गए हम, कुछ भी कर सकते हैं आपके लिए। ओह माय बेबी, चले क्या अब? अरे एलआईसी जी, बेबी बाबा ठीक है, लेकिन ये बताइए कि वो बनियान कहाँ है यार हमारी? हम बनियान की स्ट्रेस छोड़ो, 10 बनियाने आ जाएंगी। एक मिनट, ये जूलियाना बने क्यों घूम रहे हो? नहीं मतलब सोनपाल से सोनपल्ली कब बन गए आप? पिंटू जी, आप मुझे बताइए ना, मुझे ऐसे देख के आपकी दिल की धड़कने तेज हुई? ना ना सोनपाल जी, दिल की धड़कने तो ना तेज हुई है, बल्कि ना सिर में कुछ तरंगे सी उठ रही हैं, जिससे सिर में कुछ चुलचुलाहट सी हो रही है। पिंटू जी, वो सर नहीं, आपका दिल होगा जिसमें चुलचुलाहट मची है। देखिए, आपको शर्माने की जरूरत ना है, आप मुझे बताइए ना, इस नाइटी में मैं आपको आपके पति पंचम से ज्यादा सिजलिंग, हैंडसम, डैशिंग लग रहा हूं? मतलब
रस से भरा हुआ रसगुल्ला लग रहा हूँ। अरे सोनपाल जी, आप ना इस ड्रेस में एकदम वो रसगुल्ला लग रहे हो जिसकी एक्सपायरी डेट निकल गई है। ये क्या हो रहा है बाबू? पंचम जी, कैसा लग रहा हूँ सुन्नो की माँ की इस नाइटी में? दरअसल हाँ, सुन्नो की माँ की बहुत याद आ रही है, तो मैंने उसकी उसकी नाइटी पहन ली। पिंटू, लगता है वो दिन दूर नहीं है। पड़ेगी वो नाइटी कहां रखी होगी सेठ जी ने, ठीक से दिख भी नहीं रहा। अरे अरे आ आ सेठ जी आ चोर पकड़ा गया क्या? मैंने अभी एक चोर को ना कच्चे में आपके घर में घुसते हुए देखा। बचपन से दिल्ली में रह गया हूं, मेरे तो भाग ही फूट गए। साहब जी आप? मंगीलाल, तू क्यों हैरान हो रही है? तूने तो खुद कहा था ना पिंकी जी से कि कच्चा पहन के जाओ चोरी करने हैं, और खुद ही करिए आप। साहब जी, लेकिन मैं कल रात को आने के लिए कहा था, आप शायद भूल रहे हैं। एक बार दरोगा जी, मेरे को समझ में ना आ रहा है। चल चल के आ रहे, आइए। सेठ जी पिंकी जी हाथ जोड़ के ना आपसे रिक्वेस्ट करिए कि आप प्लीज वो जो है ना वो अपना अप्सरा की नाइटी वो दे दो पिंकी जी को। आपको पता नहीं है पिछले 3 रातों से पिंकी जी बहुत बुरी तरह से पिट रहे हैं उस नाइटी के चक्कर में। अरे दरोगा जी, हाँ जी, देखो वो नाइटी का तो कुछ पता ना है? कि कहाँ गायब हो गई। अभी बस एक बनियान है वो ठीक रहेगी, बताओ। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। जीजाजी छत पर है जी? इलायची जी जीजाजी छत पर है, और बस आप ही के बारे में सोच रहे थे। अरे मेरे बारे में सोचो क्या फायदा, जो होना था वो तो हो गया। मतलब ये कि जो गिफ्ट मैं आपको देने वाली थी, मतलब वो बनियान, पता नहीं कहाँ ही चली गई। वैसे लाइची जी, आपकी नाइटी पहन के मजा बड़ा आया है ना? अच्छा, हंसी आ रही है? खूब हंसी आ रही है आपको? हाँ, ये है आपका गिफ्ट। आहा, माय गॉड, चीचा जी ये पकड़िए, दिस इज सो प्रिटी, सी। आप इलायची जी, वो दरअसल क्या है कि हम आपको ना सोने की चेन लेके देना चाहते थे, पर वो थोड़ा आप समझ रही हैं, फिलहाल आप ये रख लीजिए। चीचा जी, आप नहीं जानते कि गिफ्ट मेरे लिए बहुत कीमती है। थैंक यू। आपको पसंद तो आया ना? अरे पता है कितना पसंद आया? कितना? इतना। आप
इलायची जी, 13वें ही सही हमारी पहली मंथली एनिवर्सरी मना लेते हैं। चलिए चलिए चलो। क्या बात है। लाइफ में टेंटे हुए रखे हैं। जी ले, मैं तो ले इलायची वाली चाय लाया हूँ, पी ले। सुबह सुबह मेरे लिए चाय लाया हूँ? हाँ। मेरे तुम भाग ही खुल के। हाँ, मेरी सुन, मेरी मेरी चाय चख ले, तो चाय चखेगी मेरी चाय मीठी हो जाएगी और मेरे चीनी के पैसे बच जाएंगे। बोलू के पापा, मैं चीनी जैसी हूँ क्या? नाना, तू तो गन्ने का खेत रखी। खोल दे पापा, मैं मजाक उड़ा रही हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए। सन, तेरे तो भाग ही फूटे रहते हैं, चुप कर। अच्छी बनी। हाँ, पीले मैंने मैंने इसमें अपना प्यार खुला के डाला है। पी ले, इसके बाद गोलगप्पे खाने चलेंगे। कोलू के पापा, क्या सोचेगी पेट में? अच्छा है ना, सुन, चूल्हे का कनेक्शन पेट से कर ले, फिर क्या है ना, उसी गैस पे दो चार दिन रोटियां पका लेंगे। मेरे तो भाग ही फूट गए। क्या बात है, कितनी मासूम लग रही है हमारी इलायची जी, प्यारी सी, इतनी शैतान सी, इस समय सोते वक्त जरूर सपने में हमारा बैंड बजा रही होगी। हेलो इलायची। आप इलायची जी, वो हम सॉरी इलायची जी, प्रणाम। आपके लिए गर्मा गर्म चाय। जी जी, पता है मैं ना बहुत ही फनी सपना देखा, इसमें मैं ना मम्मी की तरह और आप ना एकदम पापा की तरह थे। इलायची जी, हम तो आपके पापा की तरह लग सकते हैं, लेकिन आप आंटी जी की तरह। प्लीज ना, मेरी फीलिंग्स की ना चटनी नहीं बनाया करो। शू पॉप, ओके सॉरी, ज्यादा हो गया, मैंने बात कर रही। अच्छा सॉरी, बताइए। ठीक है, तो ना मैंने देखा कि हम दोनों ना एकदम मम्मी पापा की तरह है, हमारी लव स्टोरी एकदम उन्हीं की तरह चल रही है, सिर्फ प्यार ही प्यार, नो बड़ी लड़ाई, नो बड़ा झगड़ा। सच्ची सच्ची बताइए जीजाजी, मैं ना हमेशा चाहती थी कि आपका मेरा रिश्ता ना एकदम मम्मी पापा की तरह। देखो ना, इतने साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इतना सारा प्यार है दोनों के बीच में। सच्ची एक दूसरे पे लट्टू हैं दोनों। हाँ लजी, उनकी शेप भी बिल्कुल ऐसी है दोनों की, है ना? सुन लेगा कोई? करो, मेरे पैसे किधर हैं? ये बता। झगड़ा कर रहे क्या? और इलायची के पापा तुम कहीं रख के भूल गए होगे, इस उम्र में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन ये कभी ना भूल पाऊंगा कि मेरी अलमारी में कितने पैसे रखे और कहाँ रखे हैं। सुन, नहीं तुमने तो ना
माँ मुझे कैसे पता चलेगा तुमने पैसे कहाँ रखे हैं? तो फिर इलायची ने? नाना, इलायची के पापा उसे कैसे पता चलेगा कि तुमने अलमारी के अंदर के ड्रॉअर में कपड़े में लपेट के पैसे रखे हैं? सुन, हाँ, तू तो अभी ये कह रही कि तुझे ना पता है कि पैसे कहाँ गायब हो गए और कहाँ रखे हैं। हाँ तो मुझे कैसे पता होगा, मैंने तो ऐसे तुक्का मारा। तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो, मैं तो भागे फूट गया। मैं जीती है। जीती, ये देख मेरे नए जूते, पूरे 1475 रुपए के। मैं मंदिर जाके आ रही। एक मिनट, तू कहीं ना चलेगी यहां से। यहीं 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 ये रहे 1475 रुपए तूने अपने इस निकम्मे भाई के ऊपर खर्च कर दिए। वहां तो उनके जूते फट गए थे। अरे आजकल की भागदौड़ जिंदगी में कितनी मतलब मेहनत करना पड़ती है, कितनी भागदौड़ है, चलते ही ना जूते हमारे, हम क्या करें बता। बे तेरी जिंदगी में कहां था भागदौड़ आ गई बे। जी जी एक बात बताओ, रात दिन तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी हो तो तुम्हारे जूते ना 2 महीने ना चलेंगे। मैं तो फिर भी 3 महीने चला रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ यार। यहाँ जा रही है तेरे पति की कमाई यहाँ पे। हाँ तो तुम्ही ने मुझसे कहा था कि जो मेरा है वो तेरा है, तो अब क्यों टोक रहे हो? सुन, जो मेरा है वो तेरा है, लेकिन जो मेरा है वो इस ठटकी का कभी ना हो सकता। क्यों अपनी गृहस्थी में दिया सलाई दिखा रही है तू? क्यों दिखा रही है ये बता दे, ये तो उसमें हाथ से निकल लेगा। बहुत दिल दिखाया तूने मेरा, मैं बता रहा हूँ। हाँ तो तुम्हारे मुंह से तो जैसे फूल झड़ रहे, तुमने ना दिल दुखाया मेरा, मेरे तो भागे फूट गए। काम करो अपने जाए। चल, अरे बाल तो का आदमी। इलायची जी, यह मामला काफी गंभीर लग रहा है। अरे यार जीजा जी, ऐसी छोटी मोटी नोकझोंक ना हो ना तो मजा नहीं आता रिलेशनशिप में। वैसे भी आप देखना ना, बस थोड़ी देर में ना पापा ना मम्मी को मनाते हुए दिखेंगे, और मम्मी भी ना थोड़े नखरे दिखाएंगे लेकिन मान जाएंगे। अरे यार मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, मेरे को तो आदत है सब चीजों की, छोड़ो यार। बहुत बढ़िया जोक मार रहा है। स्कूल ना जाना है, यहाँ घूम रही है फैशन करके। सिकंजी पिला दे यार। रबड़ी खाया? हाँ खिला दे। चप्पल खाया? हाँ खिला दे। अबे मेरी मालिश भी करेगा या ऐसी दांत निकाल के दिखाता रहेगा मुझे? क्या हो गया सीढ़ी, शोक सभा से लौट के आ रही हो क्या? ये तुम्हारा चेहरा ये गोलगप्पे ऐसा क्यों फूल रखा है? और इलायची कैसी है? इधर आ तू। सीढ़ी अभी बढ़े, अभी बता। सीढ़ी, अरे अभी सीढ़ी नहीं आ रही, अभी बता। अरे सीढ़ी, अब छोड़ दो वो। अबे तुझे बता रहा छोरे कहीं करे सीढ़ी, क्या कर रहे हो सीढ़ी? कसम से मर जाएगा बेचारा, डेढ़ पसली पहले से ही सीढ़ी। अरे डेढ़ पसली इसकी तो, डेढ़ पसली मैं सीढ़ी। आ गया वहां से, इधर बैठो सेठ जी। तुम क्या हो गया सेठ जी? विजेंद्र की तो डेली की आदत है ऐसी बकवास करता रहता है, ये तुमको पहली बार मैं ऐसा कातिल दरिंदा बने हुए देख रहा हूँ। हैं? क्यों फट पड़े अचानक? अबे प्रेशर कुकर हो रखा हूँ, भरा कुछ है बहुत कुछ, इसलिए फटूंगा ना। ऐसा क्या हो गया सेठ जी बताओ मुझे? तुम तो क्या वकील हो रखा है मेरा? है वकील हो रखा है क्या मेरा? तू वकील रखा जो निवारण करेगा मेरा मेरी बातों का? क्या हो गया सीढ़ी, अब तुम मुझ पे ही भड़क उठे, बताओ तो क्या हो गया? वो है ना मेरा साला छटंकी, दिमाग खराब है मेरा उसकी वजह से। तो सीढ़ी अड़का दो उसको, साला है तुम्हारा, कुछ ससुर थोड़ा ना है जो तुम्हें दांत पीसते हुए भी जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ेगा उस। अबे इतना आसान ना है जितना तू सोच रहा है, करू का लाड़ला है वो, अब बता है?
ऐसे कैसे उससे कुछ कर, उसकी वजह से मतलब सोच ले तू, उसकी वजह से ही झगड़ा हुआ है मेरा करू से। सीढ़ी एक बात बोलूं तुमको, तुम्हारी और सिटाई की जोड़ी ना एकदम लैला मजनू जैसी है, तीसरे को बीच में घुस के मामला बिगाड़ने मत दो तुम बस। अबे बीच में कहाँ, वो तो वेताल बना जो है वो करू के कंधे पे हमेशा बैठा रहता है, और करू भी जो है विक्रम बनी उसे हमेशा बैठाए रखती है। जरा सा भी वेताल को वहां से हटाने की कोशिश करो तो एकदम ऐसे घुर्राएगी मेरी तरफ देख के। सीढ़ी तुम चरंगी कुछ झाड़ फूक क्यों ना करा देते। अबे बहुत मन करता है कि मैं जो है झाड़ फूक करा के इस विक्रम और बेताल को या तो फूक मार कर उड़ा दूं। और इलायची कैसी है?